छतरपुर जिले के बचना गांव में स्थित है भीमकुंड। ये कठोर चट्टानों की गुफा के बीच बना है। प्राचीन भारत से ही ये जगह साधना का प्रमुख केंद्र रही है। यहाँ बड़े से बड़ा ज्ञानी, तपस्वी, ऋषि मुनियों ने साधना की है। वर्तमान में ये कुंड एक टूरिस्ट और रिसर्च का केंद्र बन गया है। आइए सबसे पहले इसके रहस्य के बारे में बात करते हैं। सबसे बड़ा रहस्य ये है कि आज तक कोई भी इसकी गहराई नाप नहीं सका। बड़े से बड़े वैज्ञानिक और गोताखोर इसकी गहराई नापने में असफल रहे। जब इस रहस्य में जलकुंड की खबर विदेशी चैनलों को मिली तो डिस्कवरी चैनल की टीम इंडिया आ पहुंची। टीम अपने साथ कई गोताखोरों को लाई थी। उन्होंने कई बार डुबकी लगाई लेकिन कुछ हाथ न लगा। वो इसके रहस्य और गहराई का सही आकलन लगाने में असफल रहे। उन्हें कोई सबूत नहीं मिला। रहस्य नंबर दो। कई बार ऐसा होता है कि नदी और तालाब में नहाए गए लोग डूब जाते हैं। इसके बाद मृत शरीर पानी में तैरते हुए ऊपर आ जाता है, लेकिन भीमकुंड में ऐसा नहीं है। ये इतना विचित्र है कि अगर कोई इसके पानी में डूब जाए तो उसका मृत शरीर कभी ऊपर नहीं आता, वो अदृश्य हो जाता है या कहीं गुम हो जाता है। रहस्य नंबर तीन। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि ये कुंड अपने आप में कई रहस्य की खदान है। किसी भी बड़ी प्राकृतिक आपदा या अनहोनी होने का संकेत इस जलकुंड में आसानी से देखा जा सकता है। बताते हैं कि उस कुंड का जल स्तर अचानक से बढ़ने लगता है। वहीं ये भी कहा जाता है कि भूकंप या सुनामी आने के संकेत इसमें साफ साफ देखे गए। सुनामी के दौरान इस कुंड का पानी 500 फीट तक ऊपर उठ गया था। यहां के स्थानीय नागरिकों का कहना है कि उन्हें किसी आपदा का पता पहले ही लग जाता है। रहस्य नंबर चार। कहा जाता है ना कि जो जहां रहता है उसे उस जगह के बारे में ज्यादा जानकारी होती है। इसी के चलते हुए भीमकुंड के आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों का कहना है कि रहस्यमय भीमकुंड का पानी कभी कम नहीं होता। भरपूर मात्रा में पानी का इस्तेमाल होने के बावजूद कुंड में पानी का लेवल कभी नहीं घटता। कई बार खोज भी की गई लेकिन इसके पानी का पता नहीं चला। कोई नहीं जानता इस कुंड की गहराई। कहते हैं कि इसकी गहराई का पता लगाने के लिए समय समय पर गोताखोरों को यहां भेजा जाता है लेकिन कुछ हासिल नहीं होता। जब गोताखोर ऐसा करके थक गए तो प्रशासन ने भीमकुंड के पानी को पंप की मदद से पानी को खाली करने की योजना बनाई। ये काम कई दिनों तक जारी रहा लेकिन कुंड के पानी के स्तर में कोई कमी नहीं आई। काफी खोज के बाद इसके तल का किसी को पता नहीं चला। हालांकि 80 फीट गहराई में पहुंचने पर गोताखोरों को 23 जल की धाराएं मिली जिनका लिंक शायद समुद्र से जुड़ा है। आपको बता दें कि इसके गर्त में दो कुंड है जिसके एक से पानी निकलता है और दूसरे में भरता है। शायद इसी वजह से कुंड में पानी का बहाव तेज रहता है, कभी कम नहीं होता। पौराणिक कथाओं के अनुसार भीमकुंड की एक कहानी महाभारत से भी जुड़ी हुई है। कहते हैं कि कौरवों से हारने के बाद पांडव अज्ञातवास के लिए निकल पड़े और जंगल के रास्ते से गुजरते हुए द्रौपदी को प्यास लगी। पांचों भाइयों ने मिलकर पानी की खोज की लेकिन भला जंगल में पानी कहां से मिलता। लंबी दूरी तय करने पर द्रौपदी को और तेजी से प्यास लगने लगी। प्यास के मारे द्रौपदी समेत सभी पांडवों का बुरा हाल हो गया। काफी मशक्कत के बाद जब कोई उपाय नहीं सूझा तो भीम ने घूंसे में गदा उठाकर जमीन पर जोर से दे मारा जिससे जमीन की सतह से पानी निकल पड़ा। द्रौपदी समेत पांचों पांडवों ने अपनी प्यास बुझाई। बस तभी से इसका नाम भीमकुंड पड़ गया। भीमकुंड का पानी इतना साफ सुथरा है, जब सूरज की किरणें यहां पर पड़ती हैं, तब इसका पानी अपने अनोखे रूप में दिखाई देता है। पानी में रंगों के कई रूप देखने को मिलते हैं। भीमकुंड का पानी इतना साफ सुथरा पारदर्शी है कि काफी गहराई तक चीज आसानी से देखी जाती है। इसके पानी की तुलना मिनरल वाटर से की जाती है। तो दोस्तों यही वजह है कि भीमकुंड अपने आप में अद्भुत है, जो अपने भीतर कई रहस्य समाये हुए हैं कि आज तक वैज्ञानिक भी इसका रहस्य नहीं पता लगा पाए। दोस्तों आपको इन रहस्यों के बारे में जानने के बाद आए विचार हमारे साथ कमेंट में जरूर शेयर करें और शेयर करके इन रहस्यों को अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं। धन्यवाद।